हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग जो है एल्किल हैलाइड, जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड का हो। चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन, जिसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। आज हम आप लोगों को इसमें 17 इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन बताने जा रहे हैं। वो केमिकल रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अच्छे नंबर अगर आप चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लिए और साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस में ले आइएगा। सबसे पहली चीज है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। बच्चों, जब हम एल्कोहल को इन सभी से, इनमें से कोई एक जैसे HCl, ZnCl2, इसे बेटा लुकास रिजेंट कहते हैं, या NaCl एस्टर सपोर्ट, या PCl3 PCl5, या रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, या थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इनमें से किसी एक के साथ, इनमें से कोई भी एक चीज जब एल्कोहल को इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, इन सभी के साथ नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, पांचों में से कोई एक, तो दीज आर आउट ऑफ देम ओनली वन कैन रिएक्ट विद एल्कोहल। जब एल्कोहल के साथ इनमें से कोई एक रिएक्शन करता है तो OH माइनस जाएगा, X माइनस आएगा, X का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन आएगा। ओके, तो यहां से OH माइनस जा रहा है और Cl माइनस है, Br माइनस आ रहा है, तो ये X लग गया, तो ये एल्कोहल से बन गया है एल्किल हैलाइड, हैलोजन। बच्चों, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, माइनस आए तो माइनस जाए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसी तरीके से आपको बता दें, एल्कोहल की जब हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमको सबसे प्योर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसमें से जो बेटर मेथड है, जो अच्छा मेथड है, जो प्योर एल्किल हैलाइड देता है, वो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन देता है। नेक्स्ट है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मार्कोनी कोड रूल। तो ये CH3CH11CH2, ये प्रोपीन है। व्हाट इज दिस प्रोपीन? प्रोपीन की जब हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन कराएंगे HBr से, तो HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो Br माइनस उस कार्बन से अटैच होगा, यानी ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन कम है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मार्कोनी कोड रूल के अकॉर्डिंग Br माइनस इस कार्बन पर जुड़ेगा और एच प्लस यहाँ पर जुड़ेगा, पाई बॉन्ड हट जाएगा, ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि Br माइनस यहाँ क्यों जुड़ रहा है, तो उसका एक लॉजिक है कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर आएगा, माइनस है तो एच प्लस आयन सबसे पहले इसमें जुड़ेगा। जब किसी एल्कीन में हैलोजन एसिड जोड़ते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, इलेक्ट्रॉन इसने ही युगात्मक किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो H प्लस आयन यहाँ जुड़ेगा और ये सेकेंडरी कार्बन कैटायन बनेगा, वो स्टेबल है, इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड इधर आएगा, Br माइनस यहाँ पर आएगा। बेटा, अगर हम परोक्साइड ले लें, अगर इस रिएक्शन में अगर हम परोक्साइड ले लें, तो ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। अभी Br यहाँ पे जुड़ रहा था, Br यहाँ पे जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, तो पहले बना था 2-bromopropane, अब बन गया 1-bromopropane। इसे हम नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं, इसे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं। तो बच्चों, ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम में आती है। कैसे? मार्कोनी कोड रूल के अकॉर्डिंग है, ये एंटी मार्कोनी कोड रूल है, ये परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। तो एल्किल हैलाइड दोनों के केस में बन गया, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बन गया। नेक्स्ट है, जब एल्कीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं। बच्चों, ब्रोमीन क्या होता है? बच्चों, ब्रोमीन रेड कलर का एक हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, वो CCl4 में जब घुला रहेगा, जब ये ब्रोमीन CCl4 में घुला रहेगा, तो वो जो रेड कलर का है, यदि उसको हम किसी डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड में स्पेसिस से रिएक्शन कराएं, तो उसका रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब उसमें एडिशन रिएक्शन हो गई है। तो डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, और ब्रोमीन कैसी? ब्रोमीन वाटर नहीं, ब्रोमीन CCl4 में डिजॉल्व हो, तो इसका रेड कलर डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर
डाई हेलो एल्केन प्राप्त हो गया है, वन टू डाई ब्रोमो एथेन, तो इसमें ब्रोमीन यहाँ भी ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड हो गया। पाई बॉन्ड यहाँ से अगर आप देखें, पाई बॉन्ड हट गया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है, तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट है असंतृप्तता का, अनसेचुरेशन का। तो दिस इज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। देखो बेटा ये असंतृप्त यौगिक है, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन रेड कलर का जब डालेंगे तो उसका रेड कलर डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखें ये जो बना हुआ है, ये जो हाइड्रोजन जो होते हैं हर कार्बन पे है, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड लगा है। तो जब ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे तो बच्चे ये देखते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सनलाइट ई बराबर एच क्यू, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा सनलाइट की वजह से। अगर CCl4 होता तो एडिशन रिएक्शन होती, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्केन में। ये तो एल्कीन का सिंबल है, डबल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, यहाँ पर का यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, तो किसी एक जगह पर यहाँ पर ही एच हट जाएगा, Br लग जाएगा, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, HBr निकल गया। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है SN1 SN2, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, यानी हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन द्विअणुक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। दोनों में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये ऊपर हमने आपको पढ़ाए थे रिपोर्ट में, ये भी OH- जा रहा है, X- आ रहा है, यानी X- इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, यही न्यूक्लियोफाइल जाएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अब क्रियाएं भी होती है, जब कोई माइनस आएगा और माइनस ही जाए, माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहां पर देखिए जब अल्कोहल टर्शियरी हो, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, देखिए अगर OH उस कार्बन पे लगा है जहां पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है, एक टर्शियरी अल्कोहल है, बल्कि ग्रुप ज्यादा है, तो जब हम इसमें HCl से रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो OH- जाएगा, Cl- आएगा, तो Cl- यहाँ पर आएगा, OH- जाएगा, तो इस तरीके से ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन गया, इसमें मैकेनिज्म जो लगी हुई SN पर। इसी तरीके से अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लें 1 डिग्री, तो दिस इज एथेनॉल, एथेनॉल की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो OH- जाएगा और Cl- आएगा, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। बच्चों प्राइमरी एल्कोहल की HCl से रिएक्शन कराएंगे, साथ में कैटलिस्ट भी ले लेते हैं ZnCl2 एंड हाइड्रस ZnCl2। बच्चों आपको बता दें ZnCl2 और HCl दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग लुकास रीजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, लुकास रीजेंट कहते हैं। तो लुकास रीजेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल की पहचान करने। टर्शियरी एल्कोहल बिना कैटलिस्ट के HCl के साथ इमीडिएटली रैपिडली रिएक्शन दे देते हैं, जबकि प्राइमरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, उन्हें गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंगनीज़ में SN2 इसलिए ये प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, त्रिविम बाधा कम है, इसमें त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो SN1 मैगनीज्म होगी। बच्चों ये हमारे कुछ प्रिपरेशन थी हेलो एल्केन की, इम्पोर्टेंट जो आप समझ चुके हो। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज बता दें हेलो एल्केन की जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। बच्चों दावा 100% किसी भी चीज का नहीं होता है, बस अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। ये प्रिपरेशन से रिलेटेड है एल्केन की, और ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों एल्किल हैलाइड की जब हम KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्किल हैलाइड की KCl के साथ, बच्चों देखिए समय कम है, हम पर्टिकुलर रिएक्शन पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बता रहे हैं कि आप उसको समझ लीजिए। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन KCl से कराते हैं तो बच्चों K+Cl- ये दो भागों में टूट जाता है,
ये बच्चों साइनाइड जो होता है, साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, एक्स माइनस जाएगा साइनाइड माइनस आएगा, साइनाइड माइनस आएगा, तो दिस इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, एक्स माइनस जाएगा साइनाइड माइनस आएगा, देखिए बन गया एल्किल साइनाइड। क्या बन गया बच्चों, एल्किल साइनाइड बन गया, मतलब सी एन माइनस, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है तो सी एन माइनस आएगा। अब एल्किल एलाइड की अगर हम सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करा दें, अभी तो हमने कराई है पोटेशियम साइनाइड से, पोटेशियम एक्चुअली एल्किलीमेंटल से जब के और सी के बीच में बॉन्ड टूटेगा, ये एजी और सी के बीच में बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है क्योंकि एजी का साइज छोटा होता है, पोटेशियम एल्किलीमेंटल है तो ये यहां से बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो नाइट्रोजन की जो लोन, ये एक्स माइनस आएगा तो इस पर प्लस आएगा, आर प्लस इधर पीछे से बॉन्ड बनाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि एजी और सी का बॉन्ड नहीं टूटता है, तो इसलिए आर एन सी बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है सी एस थ्री सी एस टू बी आर, इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड है। क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनता है। तो ये देखो मैग्नीशियम इन बैलेंसी दो होती है तो इन दोनों के बीच में लग गया, ये बन गया आर एम जी एक्स, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिजेंट या ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बच्चों इसका इस्तेमाल कई रिएक्शन के कन्वर्जन में, कई रिएक्शन बनाने में होता है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा कार्बन और एम जी से। नेक्स्ट है बच्चों एल्कोहल की रिएक्शन आयोडीन और एनएच से कराए। बच्चों एक बात याद रखना, जब कभी आयोडीन और एनएच एक साथ दिख जाए तो समझ लीजिए वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन माने क्लोरीन बनता है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन बनता है ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोफॉर्म। बच्चों यहाँ आयोडीन है तो आयोफॉर्म का बनना तय है सी एच आई थ्री, तो बच्चों ये हो गया सी एच आई थ्री, ये बन गया आयोफॉर्म। आपको इतना याद रखना है कि भाई सी एच थ्री सी एच टू ओ एच जो है इसकी आयोडीन से रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, तुरंत दिमाग में याद रख लीजिए आयोफॉर्म। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो सी एच सी एल थ्री बन जाता। अब आपके दिमाग में होगा कैसे बना, तो हमारी कुछ वीडियोस आप देखें प्रीवियसली दी गई हैं, आपको सर्च करके देखिए डिटेल में उसमें रिएक्शन दी गई है। वैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट वे देते जिनके पास एसिटाइल ग्रुप होता सी ओ सी एस थ्री, तो एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिटाइल ग्रुप मिल जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ, तो सी ओ सी एस थ्री मिल जाएगा एल डी आई एल। तो आप फिलहाल अभी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि भाई एल्कोहल से आयोडोफॉर्म बनाना है, ऊपर एलो ऊपर लेके चले आओ आयोडीन प्लस एनएच। बच्चों क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री को एयर मिल जाए, एयर के संपर्क में आ जाए और सनलाइट की प्रेजेंस यूराइजियम, तो एक जहरीली गैस बनती है टॉक्सिक गैस जिसका नाम है फॉसजीन गैस, और फॉसजीन गैस का फॉर्मूला होता है सी ओ सी एल टू, और ये सी ओ सी एल टू फॉसजीन गैस प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अगर इक्वस के से कराए, इक्वस का मतलब चली के वेज, जब हम KOH को जल में डाल देते हैं तो वाटर में डालने पर OH माइनस और K प्लस सेपरेट हो जाते हैं, तो Cl माइनस जाएगा OH माइनस आएगा, एल्कोहल बन गया एल्किल हैलाइड से एल्कोहल। आपको पता है कि हमने एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाया था तो क्लोरीनेटिंग एजेंट चाहिए था, हैलोजिनेटिंग एजेंट ये दिए गए हैं, अभी अभी उल्टा करना है, ये आपको एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बनाना है, इक्वस केवेच ले लो जली केवेच, तो OH माइनस आएगा Cl माइनस आएगा CH3CH2Cl, इसे कहते हैं इथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केवेच से कराएं बच्चों, एल्कोहलिक केवेच जहां हो या एल्कोहलिक NaOH हो तो वहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना होकर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होकर के एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दोनों में अंतर देखो, इक्वस एल्कोहलिक बस ऊपर प्रतिस्थापन नीचे विलोपन, ऊपर सब्स्टिट्यूशन नीचे एलिमिनेशन रिएक्शन, कैसे एल्कोहलिक KOH में एल्कोहलिक KOH एल्कोहल और KOH रिएक्शन करके पोटेशियम इथॉक्साइड बनाता है, इथॉक्साइड बेस का काम करता है, बेस को प्रोटॉन पसंद है तो यहां से H+ आयन
बेस जो है यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लेगा, ये बोर्ड यहाँ गिर जाएगा तो एच एफ सी एन निकल जाएंगे, बन जाएगा एल्कीन। तो याद रखना इसे कहते हैं डी हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इसमें से हाइड्रोजन जा रहा है, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इस प्रोसेस को डी हाइड्रोहैलोजिनेशन या इसे डी हाइड्रोहैलोजिनिक कण कहते हैं। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। नेक्स्ट है क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं। बच्चों आपने पढ़ा होगा फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन दो एक ऐसी रिएक्शन है जो हाइड्रोजन को एक्सचेंज करती है। मतलब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन में फ्लोरीनेशन कराना कठिन है और आयोडीनेशन, फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाना आसान नहीं है। हम लोग जनरली क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन तो बना लेते हैं, लेकिन फ्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड दिए जिनका नाम है हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो इथाइल क्लोराइड की जब रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से कराएंगे बच्चों, सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो यहाँ का सीएल उस आई माइनस से विनिमय कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा और इथाइल आयोडाइड बन गया। और एनएसीएल वाटर में तो घुल जाता है लेकिन एसीटोन में उसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वो उसको छान के अलग कर देंगे फिल्टर करके। इसी तरीके से अगर एनएआई की जगह हम एजीएफ ले लें कोई डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में, फ्लोरीन के साथ में हो, तो ये फ्लोरीन इनडायरेक्टली है। अब ये फ्लोरीन यहाँ आएगा सीएल माइनस जाएगा, बन गया फ्लोरोएथेन। इसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखो बुट्स रिएक्शन, जो बुटल रिएक्शन है उसमें कोई एल्किल हैलाइड दिया जाता है, चाहे वो C2H5Cl हो चाहे CH3Cl हो, और वहां पर ड्राई ईथर और सोडियम लिखा रहता है। सोडियम और ड्राई ईथर जहां दिख जाए और एल्किल हैलाइड मिल जाए तो समझो बुट्स रिएक्शन है। और बुट्स रिएक्शन में अगर CH3Cl है मिथाइल क्लोराइड, तो अपने आप मिथाइल ग्रुप ले लेना और दो मिथाइल मिथाइल जोड़ करके एथेन बना देना। अगर यहाँ पर C2H5Cl होता तो यहाँ C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5-butene बन जाता। तो इस तरीके से जब आपको कार्बन की चेन बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, तब बुट्स रिएक्शन याद आ जाती, जैसे मेथेन से एथेन, एक कार्बन से दो कार्बन बनाना है, दो से चार बनाना, दो से तीन नहीं बनेगा, दो से चार तो बन जाएगा। ये एक्चुअली ऑड नंबर विषम संख्या वाले एल्केन बनाने में असमर्थ है, not suitable for making odd number alkane. It is used to make only even number alkane. Odd number वाले alkane नहीं बना पाता क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा अच्छी प्राप्त नहीं होती है। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यदि किसी रिएक्शन में स्पेशली किसी रिएक्शन को बड़ी गहराई से समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, उसका वीडियो हम आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा है कमेंट्स करना बच्चों मत भूलना, और आपकी कमेंट्स हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। तो प्लीज़ मेक ए कमेंट्स एज वेल एज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज शेयर माई वीडियोज मोर एंड मोर। थैंक यू वेरी मच।